नमस्कार दिनर प्रमुख खबर सह प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछु मु शक्ति आगक बढ़िया पूर्व प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस पवित्र बुद्ध पूर्णिम नेपाल गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिशा रे खा खा पड़ी कीर्तिराजी बौद्ध पर्यटन अपार संभावना थी कहीं फायदा नहीं पारुनी ओडिशा सरकार का जीत पाई विपदर ऐतिहा खनन बेले मिलुछि पुरातन कीर्तिराजि बुलडोजर मुनरे नष्ट हेउछि प्राचीन मूर्ति निज सुरक्षा पाई सुप्रीम कोर्ट रे कैविएट फाइल करिबो राज्य माछ उत्पादन रे एक नंबर हेबार क्षमता रहिछि ओडिशा पाखरे तथापि काहेकि पछरे राज्य राज्य सरकार को टार्गेट कले केन्द्र मत्स्य पशु संपद राष्ट्रमंत्री संजीव बल्यान दुग्ध मांस उत्पादन रे भी पछरे पड़ी ओडिशा बदनाम मंत्री को ब्रजराज नगर दायित्व आठ मंत्री 48 विधायकों को गां जगाइला बीजेडी कला बल कौशल लगाई बाजीमात करने को बीजेडी रा बड़ स्ट्राटेजी सेपटे ग्राउंड रे बड़ कसुछंती तीन प्रमुख राजनैतिक दल फसिबे कि तत्कालीन महांगा थाना आईसी थाना बाबू का मोबाइल कॉल डिटेल्स और अकाउंट जांच पाई जोर धरिलानी दाबी निहार का संकट मोचन साजिबे कि मिनिस्टर बाबू आसुची आंध्र कोटिया परे पट्टांगी उपरे आंध्रर लोलुप दृष्टि बांगरगुड़ी ग्रामवासी को प्रलोभित करने राशन पेंशन आवास बांटिला आंध्र कहीं चुप ओडिशा सरकार सामना को आसला ज्ञान व्यापी मस्जिद सत मस्जिद कौर मिलला शिवलिंग हर हर महादेव नारे कंपिला काशी मस्जिद स्थान में पूर्व शिव मंदिर थवर मिलला प्रमाण स्थानीय कोर्ट का निर्देश सील कर प्रवेश निषेध कर सरकार का जीत पाई विपद रही कारण खनन बेले मिली पुरातन कीर्तिराजि बुलडोजर मुनरे नष्ट हेउछि प्राचीन मूर्ति सेपटे निज सुरक्षा पाई सुप्रीम कोर्ट रे कैविएट पिटीशन दाखल करिवे राज्य सरकार सरकार को जीत पाई विपद रे ऐतिह चलीथिबा खनन बेले मिलुछि पुरातन कीर्तिराजि बुलडोजर मुनरे नष्ट होइछि प्राचीन मूर्ति निज सुरक्षा पाई सुप्रीम कोर्ट रे कैविएट फाइल करिबो राज्य श्रीमंदिर प्रशासक तीनोटी पदवी रे रहिबा पछरे मंत उद्देश्य अभिजोग श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को नीति आसुची नुआ नुआ बिवाद तेबे एहारी भितरे श्रीजगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर पाई चलीथिबा खनन बेले जराचीन अवस्था उद्धार होइथिबा सिंह मूर्ति नुआ ट्विस्ट आणिछि एहाकु नेइ ऐतिह कीर्तिराजिर सुरक्षा उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि अभियोग होइछि बिना ग्राउंड पेनिट्रेशन राजर सर्भेरे मठ निकटरे बेआईन खनन और निर्माण जोगु प्राचीन मूर्ति सबु क्षत विक्षत होइथिबा जणापडिछि तेणु जिला प्रशासन विरोध रे साधारण रे कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश पाई एएसआई सत्यपाठ रे कहिसंती एवं जोड़े फोटो मध्य देथिले जोड़े सिंह मूर्ति रो फोटो किंतु आज जो तृतीय नंबर सिंह मूर्ति दि बाहरलाणी एवं एटा माटी तले पोती जायतला वर्षा जोगु बदे धोई जायची माटी त आज सा बाहरिची किंतु खनन कार्य चलीची निर्माण कार्य चलीची या अर्थ कोन काहेन तमे प्रथमे जीपीआरएस कलोनी 40 नंबर पेज रे एएसआई जो सत्यपाठ देची 66 पृष्ठा रो 40 नंबर पेज रे हां एबे सेतर मध्ये से देछन जे एठी मूर्ति बाहरिची तनु जदी पुरुणा कीर्तिराजी या तले थिला एवं से मूर्ति गुडी का आज भग अवस्था से फिंगि दिगला कि बाहर बिक्री कर दिगला कि लुट कर निगला से किए दायी रही सेपटे गत मे 7 तारीख में एएसआई देखा सत्यपाठ एनेक गुमर खोली सत्यपाठर 40तम पृष्ठार खनन समय मटी तलु कीर्तिराजि मिलता का कथ स्पष्ट तेरे एत बड़ बड़ खनन हो आहरी अनेक एपरी प्राचीन मूर्ति मिलवर सन्देह को एड़ाई दि जा नपे चर्चा होना ग्राउंड पेनिट्रेसन राजर सर्भे
एपरी खनन होतिबारु एबे कीर्तिराजी सह माटी तले रहितबा प्राचीन कीर्तिराजी माटी तले पोती होइ रहितबा प्राचीन ऐतिहर अंश विशेष प्रतिमध्य देखा दैछि बिपद। जदि तमोर एते क्लीन माइंड थिला तुम्हें जो एरिया रे खनन कर रेडी हैंड जीपीआर रिपोर्ट और इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट रेडी रखि था कोर्ट मुहर में फपाड़ी था आज आम भाया लोक चुप होते हैं तुम्हें करन मैंने तुम मन में चोर था तुम्हें जाच भुवनेश्वर आम जीपीआर करूँ आम परमिशन पाइबुन काले पुरी में भी सेमती रिपोर्ट बाहर आम आम सब प्लां चौपट होनेपटे श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को बेआईन दर्शाई श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान सुप्रीमकोर्ट जा निज सुरक्षा पाई काभिएट फाइल करने को राज्य सरकार दामी वकिल नियोजित करिछन्ति। तबे एहा भितरे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एका संगे तीनोटी दायित्व रहिपाने प्रश्न उठाइछन्ति भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। एहा पूर्वरु थिबा पूर्त सचिव श्रीमंदिर परिचालना समितिर मुख्य प्रशासक भी थिले तेणु एहा सामान्य संचक ना मंत उद्देश्य प्रणोदित बोली प्रश्न करिछन्ति अपराजिता। श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प बड़ राशि ए प्रकल्प कार्यान्वयन चली आमे समस्ते प्रत्येक ओडिशावासी अवगत ये पूरा योजना अच्छी जड़े लोक तीन टा भूमिका रहिबे एटा संजोग नुहे हिंदी रे आमे कहुछु सुनियोजित साजिश। सीआगे सब कथ प्रश्न उठा प्रश्न उठेबार कौन यथार्थ ना सब प्रश्न उत्तर देवार आवश्यकता ना। अनभिज्ञ संस्था द्वारा श्रीमंदिर चौहती में होई खनन इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी और ग्राउंड पेनिट्रेशन राजर सर्भे बिना ए प्रकार खनन जेतिकी विपद सृष्टि करिछि सेतिकी माटीर पवित्रता को नेथिबा धर्मीय विश्वास प्रति आघात लागिछि। पुरीरु आलोक आशुतोषक सह भुवनेश्वर सतुरपा सामंतराय चिन्मय साहू और दिव्य ज्योति महांतेंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। माछ उत्पादन में ओडिशा देश में एक नंबर होवार क्षमता थिले भी कहीं पछरे बोली प्रश्न करी सरकार को निशाना करिछंती केन्द्र मत्स्य और पशु संपद राष्ट्रमंत्री संजीव बालियान। केवल माछ चाष नुहे दुग्ध अंडा और मांस उत्पादन में जातीय हारठू बहु पछरे ओडिशा रे अपार संभावना थी कहीं पछरे बोली प्रश्न करिछंती केन्द्रमंत्री मंत्री मंतव्य पर किसी स्थान में बास्तवता परखिता अर्गस न्यूज। तो ओडिशा पाखरे माछ उत्पादन करने सब प्रकार संपद रही सब प्रकार संभावना रही जल संपद ठार आरंभ करी विशाल बेलाभूमि आम पाखे रही पखापाखि 500 किलोमीटर किंतु ता सत्वे आम आज मछपी पड़ोसी राज्य निर्भर करुचु एवं ये ओडिशा पाखे एक नंबर हो पार जी संभावना अच्छी सारा देश में मछ उत्पादन नंबर वन हो पार कि सत्वे आज आम पड़ोसी राज्य कहीं निर्भर करूँ ताकि आश्चर्य प्रकट कर केन्द्रमंत्री। फिशरी के लिए जो बिल्कुल अच्छा माहौल वातावरण है वो उड़ीसा के अंदर है और उड़ीसा को टॉप में होना चाहिए था फिशरी के, लेकिन दुख की बात है कि आज आप सीड तो मंगाते हैं बंगाल से और फिश मंगाते हैं आंध्रा और तेलंगाना से। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। कहाँ तो उड़ीसा को पूरे देश को नंबर वन होना चाहिए था, पूरे देश में अगर किसी स्टेट को चाहिए फिश तो उड़ीसा से मंगाए और कहाँ उड़ीसा अपने लायक भी फिश पैदा नहीं करता, उड़ीसा बाहर से मंगाता है। माछ चाष पाई ओडिशा रे उत्तम परिवेश रही हेले आमे काहेकि आंध्र प्रदेश उपरे निर्भर करुछु। माछ उत्पादन रे पछरे पड़ितवा आम राज्यर संभावना को सरकार को एमिति ढंगरे मने पकाई दिछंती केन्द्र मत्स्य और पशु संपद विकास राष्ट्रमंत्री। एने सरकार गंभीरतार सह चिंता करिवार समय आसी बोली कहिछंती केन्द्रमंत्री। ये एक सोचने की बात है और यहाँ की प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ब्लू रिवॉल्यूशन हम लेकर आए और अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर आए और ये सेक्टर इतनी बड़ी ग्रोथ कर रहा है तो इस सेक्टर में उड़ीसा पीछे क्यों है, ये सोचने की बात है। माछ चाषी को पई आम राज्य रे सरकार को प्रोत्साहन कथा बुझिबा को आमे पहुंचिथिलु पुरी रो पिपली रे 12 एकर परिमित पोखरी रे पूर्वरु माछ चाष करथुबा चाषी सुरेंद्र बे माछ चाषरु मुह फेराइलेनी। सुनंतु माछ चाष नै सरकार को प्रोत्साहन नै कोन कहउछंती सुरेंद्र। बिल सरकारी पोखरी आम नहीं 12 एकर बहुत भल दुपा लाभ पाइ
କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସେତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ କରିବା ପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ବି ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ, ପଇସାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁକା, ଆମର ବହୁତ ବେଳାଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଅଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି କାମ କରିକିରି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହୁନି, ତେଣୁକରି କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରୁନୁ। ମାଛ ଚାଷ ପରି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଢେର ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିଲେ ଜାତୀୟ ହାରରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୈନିକ 477 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି 143 ଗ୍ରାମ। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷକୁ ଜାତୀୟ ହାରରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ 90 ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି 53 ଅଣ୍ଡା। ମାଂସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ମାଂସ ଉପଲବ୍ଧିର ଜାତୀୟ ହାର 6.5 ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 4.70 ଅଛି। ତେବେ ଉଦ୍ବେଗର କଥା ହେଲା 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ 12.37% କମିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦାବି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅଧିକାରୀ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟାନ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମେ କିତନେ ଅଲଗ ଅଲଗ ଓ ହେ ୟେ ସୋଚନେ କି ବାତ୍ ହେ ଓର ୟେ ଇସ୍ ପେ ଆଗେ ବଢ଼ନେ କି ବି ବାତ୍ ହେ କେ ଭବିଷ୍ୟ ମେ ହମ୍ ଇସ୍ ପେ କୈସେ କାମ କରେଁ, ଚୁକି ରିସୋର୍ସିଜ୍ ହୋତେ ହୁଏ ଅଗର ହମ୍ ପିଛେ ହେଁ ତୋ କହିଁ ନା କହିଁ କମି ହମାରି ହେ, ଅଗର ରିସୋର୍ସ ନେ ରିସୋର୍ସିଜ୍ ନା ଦିଏ ହୁଁ ତୋ ବାତ୍ ଅଲଗ ହେ, ଲେକିନ ରିସୋର୍ସ କେ ବାବଜୁଦ ହମ୍ କହିଁ ନା କହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍ ସେକ୍ଟର ମେ ପିଛେ ହେ, ଇସ୍ ପେ ଧ୍ୟାନ ଦେନେ ଆପ୍ ମେଁ କହି ସକତା ହୁଁ କେ 15 से 20 ମିନିଷ୍ଟର ଏସେ ହେଁ କେ ଜୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକେ ହମସେ ଇସ୍ ବାତ୍ କେ ଲିଏ ଲଡ଼େ କେ ନହିଁ ମୁଝେ 100 ନହିଁ ମୁଝେ 200 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାହିଁ, ୟେ ଇତନା ଅଚ୍ଛା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେ, ବସ୍ ଆପକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହମସେ ଆକେ ନହିଁ ଲଡ଼େ ଔର ବାକି ସାରା ଦେଶ ହମସେ ଲଡ଼ ରହା ହେ। ରାଜ୍ୟରେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ 80% ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କୌଣସି କୋଅପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନି। 10% ସରକାରୀ କୋଅପରେଟିଭରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10% ଘରୋଇ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ସମ୍ପଦ କମୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରେ କିଛି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିରିତମାଲ ଗାଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଆମର ଭେଟନେରୀଟା ପହେଲା, ସେଇଟା ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ରଖବାର କଥା ଭଲ କରି ସରକାରକେ ଏଇଟା ଆମର ନିବେଦନ। ଗୁରସ୍ ବିକ୍ରିଟା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଲଟା ପୁଆଲ କରି କୁରାକିରି ଖୁଆଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୁରସ୍କେ ଟିକେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଯିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରୁ। ଘାସ ତ ଇହାଦେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଜମିମାନେ ଗୋଚର ଜମିମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ କରିନେଲେନ ଲୋକେ, ତାପରେ ଇହାଦେ ଆମକୁ ଲଟା ଚାଷ କରବାର୍କେ ଲାଗୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲଟା ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଗାଈମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ପରିପୋଷଣ ହେସି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାରାଟା ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ ମିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ମଞ୍ଜି କହୁଛୁ ସେ ମଞ୍ଜିଟା ସରକାର ଟିକେ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାବାର କଥା। ଆମ ଇନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଗାଈମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ହୋଇନପାରବାର, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନାଇଁ ଆସବାର, ଆଉ ଗୁହାଲରେ ଅନେକ ଥର ଏପ୍ଲାଏ କଲୁନ ଭଲ ଗୁହାଲଟେ ବି ନାଇଁ କରିପାରବାର, ଆଉ ଇନ ଲଟା ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଆମର ଜାଗା ଅଛେ ମଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ ହେବା, ଆଉ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଚର ଜମି ସେ ଆଉ ନାଇଁ ନ ଆଉ ବାକି ଗାଈ ବୁଲ୍ବାର ଲାଗି ଗୁରସ୍ ମୋର ଦାମ କେବେ ନାଇଁ ବଢ଼ବାର, ସବୁଦିନ ଅତି କମ୍ ରେଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ଦେଉଛୁଁ, ଆଉ ଦାନା ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଗୋ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭେଟେନାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ 4,500 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିବା କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଜରାଜନଗର ଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ 48 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗାଁ ଯୋଗାଇଲା ବିଜେଡି, ବାଜିମାତ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବଳ କୋଷୁଛନ୍ତି 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ 48 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗାଁ ଯୋଗାଇଲା ବିଜେଡି,
कल बल कौशल बाजिबात करने को बड़ स्ट्राटेजी ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन लगी ग्राउंड रे बल कसुचंती राज्यर तीन प्रमुख राजनैतिक दल तेब यार भितर ब्रजराज नगर आसन अख्तियार पाग भिड़ी शासक बीजेडी आठ मंत्री और 40 विधायकों समेत प्राय 200 नेता गांठ नहीं वार्ड स्तर पर्यंत नियोजित करिछि बीजेडी जहां मध्यरे सबुठु अधिक चर्चा रही पांच बदनाम मंत्री और डर्जन रु अधिक विवादीय नेता नजर पकांतु केउ केउ बदनाम मंत्री को दिया जाइछि ब्रजराज नगर दायित्व बदनाम मंत्री नंबर 1 मंत्री नवदास निज रोसिया मृत्यु मामला पुओ नारे आदिवासी जमी हड़प अभियोग कोविड किट केलेंकारी एपरिक स्वर्गत किशोर महांती पत्नी अलका प्रार्थी नक लगी षड्र भि संगीन अभियोग मंत्री नवदास को मिली उपनिर्वाचन संपूर्ण दायित्व बदनाम मंत्री नंबर 2 मंत्री प्रताप जेना महंगा ट्रिपल मर्डर आवास मनरेगा केलेंकारी भि संगीन अभियोग मंत्री प्रताप जेना को मिली ब्रजराज नगर पौराचलर दायित्व बदनाम मंत्री नंबर 3 मंत्री दिव्यशंकर मिश्र ममिता मेहर हत्याकांड ठुनेई राज्यर विपर्यस्त आईन श्रृंखला भली घटनारे बदनाम होइतिबा मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मिली पंचगा और पलसदार दायित्व बदनाम मंत्री नंबर 4 मंत्री अरुण साहू कुनी छो परी हत्याकांडर अभियुक्त को सुरक्षा भली संगीन अभियोग मंत्री अरुण साहू को मिली निर्वाचन परिचालन लगी गठन होइतिबा केंद्रीय टीम रो दायित्व बदनाम मंत्री नंबर 5 मंत्री सुशांत सिंह ग्राम्य उन्नयन विभाग केलेंकारी और व्यापक पीसी कारबार भली संगीन अभियोग मंत्री सुशांत सिंह को मिली बेलपहाड़ पौराचल दायित्व तेज शुणु प्रस्तुत होता स्ट्राटेजी नहीं कौन कहते बीजेडी नेता आम तो स्टेट पार्टी मानव मुख्यमंत्री अच्छा दल सभापति अच्छा आम सब जो मैंने सब रही नेतृत्व में आम समस्त जीव गले जाए प्रचार प्रसार हम आम जो प्रार्थी जयजुक्त हो निर्वाचन हो सेठी किभली भाव रे निर्वाचन को विजु जनता दल से विजय लाभ करिवो विजु जनता दल रो प्रार्थी किभली विजय लाभ करिवो सेइतिपई समस्तंकर एकांत उद्यम सेठी रहिवो एथिरे कोनोसी संदेह नै मोर तो कोनोसी चैलेंज नै किंतु लोके जानिबा कथा जे आमदानी नेता केबे मध्य काम करंती नै से माने आसीबे मिछ कथा कहि कि जिबे परवर्ती समय रे लोकंकु भुली जिवे ए सबु बात निज व्यक्तिगत सहायक चित्त मृत्यु मामला पई विवादीय होइतिबा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा को पौराचल दायित्व मिलता बेले तत्कालीन विवादीय पूर्त सचिव नलिनी प्रधान को मिली गौरमाल और चंदनी माल दायित्व तेज जोन 1 जोन 2 जोन 3 समेत पौराचल दायित्व नेता जगवाई सांसद प्रसन्न आचार्य मंत्री निरंजन पूजारी विधायक देवी प्रसाद मिश्र और मंत्री अरुण साहू को नहीं बीजेडी पक्षरु एक केंद्रीय टीम गठन करा दैछि एहा बाद 40 जन को स्टार प्रचारक भावे मैदान को लाइ पतळ भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा को सह दिव्यज्योति महांती का रिपोर्ट अर्गस न्यूज पवित्र बुद्ध पूर्णिमा रे नेपाल गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन करिसेंती लुम्बिनी मठ परिसर रे बौद्ध संस्कृति एवं ऐतिहासिक पई एक केंद्रर शिलान्यास करिसेंती हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिशा रे खां खां पड़ी कीर्तिराजि बौद्ध पर्यटन अपार संभावना थाई मध्य कहीं के फायदा नहीं पारुनी ओडिशा पवित्र बुद्ध पूर्णिमा रे नेपाल गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन सह बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम रे जोगदेले मोदी हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिशा रे खां खां पड़ी कीर्तिराजि बौद्ध पर्यटन अपार संभावना थाई कहीं की फायदा नहीं पारुनी ओडिशा बुद्धिस्ट टूरिज्म को कहीं की विकसित करुना राज्य सरकार पवित्र बुद्ध पूर्णिमा अवसर रे नेपाल गस्त करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि अवसर रे लुम्बिनी रो महामाया देवी मंदिर रे पूजार्चना करिसेंती प्रधानमंत्री सांगरे थिले नेपाल प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा अवसर रे महामाया देवी मंदिर परिदर्शन करिसेंती मोदी
लुम्बिनी मठ परिसरें बौद्ध संस्कृति एवं ऐतिह्य एक केन्द्र शिलान्यास कर मोदी। सेपटे बुद्धिस्ट सर्किट कहा उत्तर प्रदेश कपिलवस्तु कुशीनगर सरनाथ एवं बिहार बोधगया राजगीर वैशाली आदि बौद्ध पर्यटन स्थल में बौद्ध पूर्णिमा अवसर में हजार हजार पर्यटकों भिड़ जमुई। थाइलैंड भूटान कोरिया जापान भिएतनाम और म्यांमार बौद्ध धर्मावलंबी सुअ छुटुची आ उत्तर प्रदेश और बिहार भली राज्य माने हजार हजार कोटी टंकार राजस्व पाउछंती। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। ओडिशारे मध्य रहिछि बौद्ध परंपरा व संस्कृतिर भंडार। जाजपुर जिले में रत्नगिरी उदयगिरी पुष्पगिरी ब्रजगिरी लांगुड़ी भली बौद्ध कीर्ति रही बेले राजधानी भुवनेश्वर रही धौली शांति स्तूप एवं चंडाशोक धर्माशोक पलटि सम्राट अशोकों शिलालेख। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठा होता भव्य बुद्ध मंदिर सहीपरि गंजाम जिलार जौगड़े अशोकों शिलालेख संरक्षित रही। गजपति जिलार चंद्रगिरी जिरांग बौद्ध मंदिर अन्यतम बौद्ध पर्यटन स्थल। बौद्ध धर्मर प्राण केन्द्र होड़शा ओडारु ही बौद्ध धर्म विदेश को जाता जदि ओडे बौद्ध स्थलगुड़िकर विकास हो पारता तेल ओडा समग्र विश्व सुख्याति पाता आ राज्यर अर्थनीति अभिवृद्धि हो पारता। बौद्ध धर्म ग्रंथ अनुसार सम्राट अशोकों पुत्र महेन्द्र एवं कन्या संघमित्रा ओडार तत्कालीन गुरुत्वपूर्ण बंदर ताम्रलिप्तर कलिंग पोतरे बौद्ध धर्म प्रचार करने सिंघल को पठाई तेरे कलिंग आठटी परिवार महेन्द्र एवं संघमित्रा सिंघल जाते। बौद्ध धर्मर एभली अनेक ऐतिहासिक प्रमाण ओडार कोण अनुकोण में एवं रही किंतु विड़ंबना आज भली दिन में धौली शांति स्तूप को पर्यटकों प्रवेश अनुमति नहीं। जाजपुर गजपति गंजाम आदि जिले में बौद्ध पर्यटन स्थलगुड़िक आढ़ुआल रही जाइए जहाँ को नहीं उद्वेग प्रकाश कर बौद्ध संस्कृति गवेषक। बुद्ध जितेबाला ज्ञान प्राप्त होते ओडार दुईज बणिक पांचटी शगड़ धरी उत्कलर मझिम देश बोली गोटे जगह को जाते से बुद्धंर प्रथम शिष्य तेणु ओडिशा सहित बौद्ध धर्मर बुद्धंर निविड़ संपर्क थिला। तपस्वल्लिक समय नहीं कि आमर बुद्धिजीम 1568 रे मुकुंददेव समय रे मुकुंददेव किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रिपेयर करते लामा तारानाथ तिब्बतन मंग कहते हीरक ट्रायंगल कहचे ललितगिरी उदयगिरी रत्नगिरी को सेगुड़ा तंत्र बुद्धिजीम्र प्रमुख सेंटर थिला। जो रॉक एडिक्ट शिलालिप अच्छी शिलालिपिटा को एएसआई तक प्रोटेक्ट करके डेसिफरिंग करते बड़ शिलालिपि अशोकर कौटी ना गोटे पूरा मानते गोटे हिस्ट्री भाया से 18-19 शिलालिपि अच्छी भल अवस्था अच्छी प्रिजर्व कर रखिंट ट्रांसलेट होते बहुत इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। सेबटे पवित्र बुद्ध पूर्णिम बुद्ध कीर्तिराजी संपन्न कटक जिला महांका सुखापड़ा पहाड़ पत्थर खनन प्रतिवाद रे बुधायन पक्षर विरोध मुहरे कला ब्याच पिंधि प्रतिवाद करने एक प्रतिवाद सभा कटक जिला महांका ब्लक ललितगिरी अनुष्ठित सरकार उदासीनता और पर्यटन विभाग अणदेखा जो जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लक लांगुड़ी बौद्ध कीर्तिराजी परिचय क्रमश पाँच जहाँफल बौद्ध बिहार लांगुड़ी विकास केवल फलक सीमित रही। एबे जो सुखापड़ा पहाड़ जहाँ आम आज प्रतिवाद करूँ ललितगिरी जे कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट साइट तार गोटे इंटीग्राल पार्ट तार अंश ये पहाड़ रु बहुत बौद्ध कीर्ति उद्धार कराई बर्तमान जो जगह से खनन करुँचा गोटे मैजेस्टिक मो
ମୋନାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା ପୁଷ୍ପଗିରି ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି, ଏଠି ଏଠି ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଲିତଗିରି କରିଗିରି ଏହାର ଆମର ଗଜପତି ଏହାର ପୁରାମାରି ଡେଙ୍ଗାଅସ୍ତା ସବୁ ଯାକ ଏ ବୁଦ୍ଧରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର କାହିଁକି ହେଉନି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରିବା ଦିଗରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯଦି ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସର ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତିରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।